अभिषेक की खुद की गलती बनी पूरे परिवार के लिए मुसीबत। क्या अभिषेक के कारण पूरे बच्चन परिवार पर गिरी कोरोना नाम की बिजली? ये सवालों की झड़ी इसलिए क्योंकि आज बच्चन परिवार का एक एक सदस्य जिस परेशानी की दहलीज पर खड़ा है उसका कोई ना कोई जिम्मेवार तो जरूर है। क्योंकि देखा जाए तो अक्षय और अभिषेक दोनों ने इंडस्ट्री में सबसे पहले काम करना शुरू किया, और तो और अक्षय ने तो अभिषेक से पहले भी काम करना शुरू किया था। उन्होंने अनलॉक वन में ही सरकार के लिए एक एड फिल्म की शूटिंग की, वो भी तमाम कास्ट और क्रू के साथ। वहीं अभिषेक ने अक्षय के बाद अपनी डबिंग शुरू की। वो सिर्फ डबिंग स्टूडियो गए, ज्यादा लोगों से भी नहीं मिले, फिर भी उन्हें कोरोना हो गया। क्या अक्षय का इम्यून सिस्टम अभिषेक से ज्यादा स्ट्रांग है या फिर अक्षय ने अभिषेक से ज्यादा बरती है सावधानियां? जाहिर सी बात है कि ऐसे सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहे होंगे। तो देखिए, सावधानियां तो दोनों ही बरत रहे थे। हम ये नहीं कह सकते कि किसने कम सावधानियां बरती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि डबिंग स्टूडियो में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा था। वो कैसे, ये हम आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। डबिंग स्टूडियो में एक खतरनाक खतरा होता है। दरअसल यहाँ सारे स्टार्स अमूमन एक ही माइक का इस्तेमाल करते हैं। डबिंग करने वाला कोई भी आर्टिस्ट माइक के बेहद करीब अपना चेहरा और मुंह लेकर जाता है। हालांकि माइक को खूब सैनिटाइज जरूर किया जाता होगा, लेकिन फिर भी खतरा तो रहता ही है ना। दूसरा खतरा उस छोटे से कैबिन से भी होता है जहाँ माइक लगा होता है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि माइक को सैनिटाइज कर दिया जाता है, लेकिन कैबिन में लगे पोडियम, सोफे और कारपेट को हर आधे घंटे में सैनिटाइज करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा ये कैबिन काफी छोटा भी होता है, इसमें एसी का एक ही वेंट होता है। लिहाजा अगर एक बार संक्रमित हो गया ये रूम तो अपने आप में कोरोना के कैबिन से कम नहीं बन जाता। ऐसे में ये ख्याल तो लाजमी है कि आखिरकार ये डेडली वायरस बच्चन हाउस में घुसा तो घुसा कैसे। खैर, अगर वाकई में अभिषेक को उसी डबिंग स्टूडियो के इर्द गिर्द वायरस ने अपनी चपेट में लिया है तो यकीनन ये अब दूसरे स्टार्स के लिए खतरे की घंटी तो जरूर है। फिलहाल हम तो यही दुआ करेंगे कि बिग बी और उनकी फैमिली जल्दी ठीक होकर अपने घर और अपने फैंस के बीच वापस आ जाए और दोबारा ये खतरनाक वायरस किसी दूसरे को अपनी गिरफ्त में फिर कभी ना ले। इस पर आपकी क्या है राय, जरूर शेयर कीजिएगा अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में।